चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। स्कॉटसडेल के चहल पहल भरे शहर में चाचा नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसे समय का सही इस्तेमाल नहीं आता था। इसकी वजह से उसकी मम्मी को काफी दिक्कत होती थी। उससे उसका काम समय पर करवाना उसकी मम्मी के लिए हमेशा मुश्किल हो जाता था। उसके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय उसकी मम्मी उससे उसका काम समय पर करवाने के लिए कहती रहती थी। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, चलो उठ जाओ। उठ भी जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारा लंच बनाने जाती हूँ और वापस आती हूँ 5 मिनट में। चलो उठकर तैयार हो जाओ। मैं बार बार तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती तुम्हें उठाने के लिए। उसकी मम्मी लंच बनाने चली गई और अपने आप से बातें करने लगी। चाचा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मेरी सारी ताकत इसी में लग जाती है। मैं भी यही बात सोच रहा था। तुम स्कूल जाकर इसकी टीचर से बात क्यों नहीं करती? हाँ, शायद जाना चाहिए। स्कूल से थोड़ी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आज ही जाती हूँ। जाना चाहिए, मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि ज्यादा ट्रैफिक हो जाए। ठीक है, ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। तुम भी ख्याल रखना, तुम्हारा दिन भी शुभ रहे। चाचा, तुम उठे नहीं अभी तक? चाचा, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। चाचा उठकर स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। उसके बाद चाचा नाश्ता करता है। अपना बैग ले आओ चाचा, स्कूल का समय हो गया है। हाँ हाँ। मुझसे इस तरह बात मत करो, समझे तुम? अब उठ जाओ। चाचा कार में बैठ जाता है और मम्मी उसे स्कूल ले जाती हैं। भागो चाचा, बेल बज गई है। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चाचा धीरे धीरे क्लास में जाता है। उसकी मम्मी कार पार्क करती हैं और प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ जाती हैं। वो दरवाजा खटखटाती हैं और दफ्तर के अंदर जाती हैं। गुड मॉर्निंग मिस लूसी। गुड मॉर्निंग मिस चार्ली, अचानक कैसे आना हुआ? देखकर अच्छा लगा, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? चाचा की मम्मी प्रिंसिपल को बताती हैं कि चाचा कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है और उनसे मदद मांगती हैं। प्रिंसिपल मुस्कुराती हैं। मैं समझ गई, मेरे पास एक तरकीब है। कल एक फील्ड ट्रिप है जिसके लिए वो बहुत उत्साहित है। बस स्कूल से सुबह 7:30 बजे निकलेगी। कल उसे स्कूल लाइएगा, पर ध्यान रहे 5 मिनट देर से आना। शायद इससे उसे समय की कीमत पता चल जाए। हाँ, धन्यवाद मिस लूसी। चाचा की मम्मी स्कूल से वापस घर चली जाती हैं। और फिर अगली सुबह, चाचा चलो उठो और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी फील्ड ट्रिप है। बस चली जाएगी अगर तुम समय से तैयार नहीं हुए तो। चाचा उठ जाता है और घड़ी देखता है। हाँ, पहले ही देर हो गई है। मैं तैयार हो जाता हूँ, वरना हम वहाँ समय से नहीं पहुँच पाएंगे मम्मी। जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था, चाचा की मम्मी ने ध्यान रखा कि वो उसे 5 मिनट देर से लेकर जाएं। जब वो स्कूल पहुँचे तो चाचा ने देखा कि बस उसे छोड़कर चली गई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाचा अपना मुंह लटका कर वहीं उदास खड़ा रहा। मुझे माफ कर दो चाचा, मुझे दुख है कि बस तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। ये सब मेरी गलती है।
मुझे माफ कर दीजिए मॉम। अचानक से उसे स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दिया वहीं पास में से। उसके चेहरे पर एकदम चमक आ गई और उसने मम्मी को देखा। वाह, ये तो मेरी स्कूल बस है, ये तो मेरी स्कूल बस है, ये वापस आई है मुझे लेने। उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। मॉम, मैंने आज एक सबक सीखा, आज के बाद मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा और ये भी ध्यान रखूंगा कि मैं अपने सारे काम समय पर करूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ये सुन मम्मी ने चाचा को गले लगा लिया। अब जाओ और फील्ड ट्रिप पर मजे करो। चाचा बस में चढ़ गया और उसने मम्मी को बाय किया और उस दिन से वो समय का सही इस्तेमाल करने लगा और इस बात का भी ध्यान रखने लगा कि वो अपनी मम्मी को परेशान ना करे।